सो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम अपनी टीवीएस सेंटोर को वॉश करेंगे अपने घर पर। तो हमारी टीवीएस सेंटोर काफ़ी गंदी हो रखी है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी धूल मिट्टी इसके ऊपर जमा हो गई है। तो इसको हम क्लीन करेंगे, बिल्कुल आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे क्लीन करना है, कैसे इस पर पॉलिश करनी है और क्या क्या आपको ध्यान में रख लेना है। वॉश करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रख लेना है, तो इन सब प्रोडक्ट्स का आज हम यूज़ करेंगे अपनी वॉशिंग में। तो बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पानी से स्प्रे मार लेनी है ताकि जो भी कचरा और मिट्टी है वो सब निकल जाए। तो सबसे पहले हम इस पे पानी मारेंगे। तो पानी मार लेने के बाद आपको एक बकेट में पानी ले लेना है गर्म पानी, ताकि जो मिट्टी और कचरा है वो अच्छे से निकल पाए। तो इसमें हम शैम्पू यूज़ करेंगे, क्लिनिक प्लस के 3 पैकेट काफ़ी रहेंगे हमारी एंटोर को धोने के लिए। तो शैम्पू डाल लेने के बाद आपको अच्छे से मिला लेना है ताकि अच्छी फोम निकल के आए। और अब मैं कैमरा को साइड पे रख लेता हूँ और आप जल्दी से देख लीजिए कि कैसे कैसे मैं इस पे फोम अप्लाई करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेकेंड वॉश में क्या कर लेना है। तो पहला स्टेप मेरा हो गया है, तो अब मैं इस पे दूसरी कोट अप्लाई करूँगा। तो उससे पहले जैसे आप दूसरा कोट अप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये यूज़ कर लेना है कैरोसिन। इसमें आप डीजल भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर डीजल स्प्रे होती है लेकिन मैं कैरोसिन यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका इंजन रस्ट नहीं खाएगा और काफ़ी सारे पार्ट जो रस्टी हैं वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। तो स्प्रे करने से पहले आपको ये बात का खास ख्याल रख लेना है कि आपको सिर्फ मेटल पार्ट्स पे स्प्रे करनी है, ना कि बॉडी पे। अगर आप बॉडी पे करोगे तो सारा पेंट डिग्रेड हो जाएगा, तो उससे आपकी शाइन चली जाएगी। तो सिर्फ आपको इंजन और मेटल पार्ट पे इसका यूज़ करना है ताकि आपकी रस्ट रिड्यूस हो जाए। तो आप जल्दी से देख लीजिए इसका प्रोसेस भी। फिर आपको इस पे पानी मार देना है और अच्छी तरीके से इसका जो भी फोम और केरोसिन लगा है या डीजल स्प्रे लगी है तो उसको अच्छी तरीके से हटा देना है, ताकि वो डस्ट डस्ट ना पकड़े। क्योंकि अगर आपके टायर्स और इंजन पे मेटल पार्ट्स पे अगर डीजल रह गया तो वो डस्ट पकड़ लेगा। तो अच्छी तरीके से इसको आप वॉश कर लीजिए और फिर मैं आप सभी से मिलता हूँ आपको क्या कर लेना है आगे। तो हमारी स्कूटी अच्छे से धुल गई है, अच्छी तरीके से वॉश हो गई है। तो इस पे अब हम पॉलिश अप्लाई करेंगे, तो इसके सूखने का हम इंतज़ार कर लेते हैं और फिर आपको मैं आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। 2000 years later तो हमारी स्कूटी अब अच्छे से सूख गई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो गई है, देख सकते हैं आप। तो इस पे अब हम पॉलिश अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन सी पॉलिश अप्लाई करेंगे इस पे। तो ये कोई कंगारोज़ की डैशबोर्ड पॉलिश है, तो इसे हम आज अप्लाई करेंगे अपनी स्कूटी के डैश पे।
तो थोड़ा सा आप बहुत ही कम अमाउंट में पॉलिश लीजिए ताकि डस्ट ना पकड़े। ज़्यादा पॉलिश अप्लाई करोगे तो शाइन के साथ साथ फिर आपका 2-3 दिन में डस्ट पकड़ लेगा और उसका कोई बात नहीं बनता बाद में वॉश करने का। तो अच्छे तरीके से आप इस पे पॉलिश अप्लाई कर दीजिए और इस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप फोल्ड कर लीजिए ताकि अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। इस तरीके से आपको पकड़ लेना है और ये अच्छी तरीके से फोम पे अप्लाई हो जाएगा। तो फिर आपको डैशबोर्ड पे इसे पॉलिश कर देना है। तो आपको इस तरीके से अपनी स्कूटी का डैश जो है उस पर पॉलिश अप्लाई कर लेना है। तो आपको रिजल्ट्स तो दिख ही रहे होंगे कि हमारी स्कूटी का डैश कितना शाइन कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको बॉडी के ऊपर थोड़ी सी पॉलिश अप्लाई कर लेनी है ताकि उस पर भी शाइन आ जाए। ज़्यादा अप्लाई नहीं करना क्योंकि फिर आपको डस्ट की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं जल्दी से बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर लेता हूँ। आप सभी से मिलता हूँ। And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, does it run deep? तो पॉलिश होने के बाद आपको मैं एक सलाह देता हूँ कि आपको यहाँ किक के पास में ऑयल अप्लाई कर लेना है ताकि यहाँ पे भी रस्टिंग का इशू ना आए, यहाँ पे किक के ऊपर भी, और जहाँ पे भी मोमेंट वाले पार्ट है वहाँ पे आप इन्हें अप्लाई कर दीजिए, जो भी ऑयल वगैरह आपके पास है अवेलेबल। तो मेरे पास ये वाला था। आप बॉटल पे ध्यान मत दीजिए, इसमें मैंने अलग ऑयल डाला हुआ है। तो इस तरीके से आपको इन जगहों पर अप्लाई कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये छोटी छोटी बातों का आपको खास ख्याल रख लेना है वॉश करते टाइम, ताकि आपकी स्कूटी और बाइक जो भी है आप सेफ़ रहे। तो जो ये टायर के बीच में नट होता है तो इसके ऊपर भी आपको अप्लाई कर देना है। तो इससे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ रहेगा। They all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone. Cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off. I just wanna be happy, happy tonight. होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।